हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे स्पेशल बीएसटीसी एडमिशंस के बारे में। बहुत सारे दिन पहले मैंने आप लोगों को न्यूज के माध्यम से सूचित किया था कि स्पेशल बीएसटीसी का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी बच्चा, चाहे राजस्थान से है, हरियाणा से है या अदर स्टेट से है, एडमिशन लेना चाहता है, स्पेशल बीएसटीसी करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप ये समझने में असमर्थ है कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। जो भी बच्चा स्पेशल बीएसटीसी करना चाहता है वो बच्चा बिल्कुल कर सकता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप लोगों का जो स्पेशल बीएसटीसी का जो कोर्स है उसका एक बार डेट अनाउंस कर दिया गया था, बट अब दोबारा से उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ आप सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देख पाओगे, ऑफिशियल ये नोटिस है और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी यहाँ पे कि जो आपका एनबीईआर है, जो आपका काउंसलिंग कराती है बॉडी NBER, उसके द्वारा जो अपने काउंसलिंग की जो डेट है, जो अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड जो करने का जो नोटिस है वो 14 जून 2024 को फिर से जारी किया गया है। यहाँ आप इसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इस नोटिस को कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा क्या, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। जो भी इंफॉर्मेशन है भविष्य में उसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। सभी बच्चों को बताना चाहूंगा NBER जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, जो बच्चों के एडमिशंस की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, उसके द्वारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी इंस्टीट्यूट का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, या बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है द लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू ऑल द RCI अप्रूव्ड, जितने भी RCI से मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड जो कॉलेज हैं, जो डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज हैं, उनकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। यहाँ बिल्कुल बारीकी से लिख रखा है सेशन 2024-26 के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है, और उस डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 28 जून 2024। ठीक है, जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है वो 28 जून 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसके बाद आप लोगों को दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 1 मई 2024 को जारी कर दिया गया था, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अब आप लोगों को क्या करना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो 28/6/2024 तक, जहां भी आप, जिस भी कंसल्टेंट के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, जहां भी आप एडमिशन कराना चाहते हैं वहां कॉन्टेक्ट करके करा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी बच्चा एडमिशन कराने का इच्छुक है उसको 10वीं का 12वीं का मार्कशीट अपना पेश करना होगा। यदि आपकी कोई कैटेगरी है, SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं, आप PWD से हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपको लाभ मिलता है तो वो कैंडिडेट अपनी ये सब डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज में जमा कराएगा। उसके बाद क्या बताया गया है कि 28/6/2024 तक तो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो बच्चा 28 तारीख तक कॉलेज के को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा, उस बच्चे का एडमिशन कॉलेज अपने लेवल पे, अपने पोर्टल पे, NCB का जो पोर्टल है, NBER का जो पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर उसको जो अपलोड करना है, NBER का जो पोर्टल होता है इसके ऊपर कॉलेज को अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। कॉलेज के लिए जो टाइमिंग दिया गया है वो 30/6/2024 है। सभी बच्चों को इस डेट का विशेषकर ध्यान रखना है, जो डेट मैं आपको बता रहा हूं, आपको 28/6/2024 की तिथि है, इस तिथि का ध्यान रखना है। 28 जून के बाद में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यदि आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो। जिस बच्चे ने 28 जून तक डॉक्यूमेंट दिए, कॉलेज उसका 30 तारीख तक अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर की जाएगी। इस चीज का ध्यान रहे कि आप वही मेल आईडी और वही मोबाइल नंबर दे जो कि पूर्ण रूप से चल रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। 1 से लेकर 5 जुलाई तक, 5-7 तक आपका जो OTP का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो चलेगी आपकी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। 11 जुलाई 2024 को आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि RCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर इस लिस्ट को डाला जाएगा।
जिन जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होंगे, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उनकी 11 जुलाई को लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी आरसीआई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक पीआरएन नंबर, यानी कि जिन जिन बच्चों का एडमिशन होता है, जिसको हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो रजिस्ट्रेशन नंबर बोल देते हैं, रोल नंबर बोल देते हैं, ये आपका पीआरएन नंबर जारी करेगा। और ये भी आपको आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ आप देख पाओगे एनबीईआर का जो पोर्टल है, आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको देख पाओगे। इसके लिए 12 जुलाई से 14 जुलाई का टाइम यहाँ लिया गया है और इसके बाद में आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का एडमिशन होगा उन बच्चों की 15 जुलाई 2024 से क्लासेज है वो हो जाएंगी स्टार्ट। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तुरंत प्रभाव से अपने डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करवा दें, आप बातचीत कर लें। अब बात करेंगे हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में कि भाई अपना जो स्पेशल एजुकेशन है ये क्या होता है और इस कोर्स को कौन कौन बच्चा कर सकता है। देखो स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा कोर्स है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर आप बीएसटीसी भी कर सकते हैं, आप बीएड भी कर सकते हैं, ये दोनों कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, सबसे फर्स्ट प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यूजी कर रखी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। यदि आप प्लस टू पास आउट छात्र हैं, यदि आप ट्वेल्थ के पास आउट छात्र हैं, प्लस टू में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप बीएसटीसी की तरफ जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये स्पेशल क्या होता है और स्पेशल की जो इतनी चर्चा होती है ये क्यों हो रही है। साथ ही स्पेशल के अंदर तीन ट्रेड होती है, एक एचआई होती है, एक वीआई होती है और एक आईडीडी होती है, जिसको पहले हम अमार के नाम से जानते थे। ये जो कोर्स होते हैं ये उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, ये स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है जिन बच्चों का बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिन बच्चों की आंखें पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही होती हैं, जिसको हम देसी भाषा में अंधा व्यक्ति कहते हैं, या किसी बच्चे को सुनने की क्षमता नहीं होती जिसको हम बहरा बोल देते हैं। तो जो बच्चा देखने की, सुनने की और समझने की जिसके अंदर क्षमता ना हो, उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक एजुकेशन का कोर्स कराया जाता है। एजुकेशन के लिए टीचर्स बनाए जाते हैं, उन टीचर्स का नाम दिया जाता है स्पेशल। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उसको स्पेशल एजुकेशन का नाम देके, और जो ट्रेड है इसमें एचआई, वीआई और आईडीडी, इन तीन ट्रेड्स में बच्चों के एडमिशन किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीछे वैकेंसी आई थी वो आईडीडी में आई थी, सबसे ज्यादा जो डिमांड है बच्चों की वो आईडीडी के कोर्स की है। उसके बाद दो नंबर की मैं बात करूं तो एचआई की भी डिमांड है, एचआई और आईडीडी को हर बच्चा मांग रहा है, जबकि वीआई के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और साथ ही ऐसा नहीं होता है कि पहले भी आईडीडी में अच्छी वैकेंसी आई तो भविष्य में भी आईडीडी में ही वैकेंसी आएंगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हो सकता है कि एचआई में ज्यादा वैकेंसी आए, वीआई में ज्यादा वैकेंसी आए, आपको अपना धैर्य रख के अपने डाटा सर्च करके, आपको अपने सगे संबंधी जो भी आपके टीचर्स हैं जिनके माध्यम से आपने एजुकेशन प्राप्त की है उनसे बातचीत करके डिसाइड कर लें, या फिर जिस कंसल्टेंट के माध्यम से आप एडमिशन ले रहे हैं उससे बात करके अपना एडमिशन करवाएं। जो भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक है भाई, आप लोगों को बताना चाहूंगा स्पेशल बीएसटीसी के अंदर आरसीआई से मान्यता प्राप्त कॉलेज आप लोगों को दिलाया जाएगा, और इसके अंदर प्रक्रिया वही है कि पहले आओ पहले पाओ। जो बच्चा पहले आके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में डिपॉजिट करता है उस बच्चे का एडमिशन होता है। कॉन्टेक्ट नंबर है एडमिशन कराने के लिए 9467179859, इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस जो है हमारा जयपुर के अंदर, राजस्थान में जयपुर के अंदर ऑफिस अवेलेबल है, जो भी बच्चा राजस्थान का है जयपुर ऑफिस के ऊपर संपर्क कर सकता है, और एक हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले में ऑफिस अवेलेबल है। तो महेंद्रगढ़ और जयपुर जो भी ऑफिस आपके नजदीक लगता है आप उस ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, अपने एडमिशन से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं, जैसे भी जो भी आपको उचित लगे आप दाखिला लें। सबसे पहले बच्चों को बताना चाहूंगा हरियाणा में सामान्य बीएसटीसी के विसर अभी ना रहें, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। एडमिशन 23-25 सेशन में नहीं हुआ, 24-26 में होगा नहीं होगा अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप अपने भविष्य को श्योर करना चाहते हैं, अपने समय को बचाना चाहते हैं, स्पेशल बीएसटीसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप इस कोर्स को, इस डिप्लोमा को करके अपने साइड में रखो, जब भी वैकेंसी आएंगी जरूर से जरूर आपको इसका फायदा होगा। और पीछे जिन भी बच्चों ने स्पेशल का कोर्स कर रखा था उन मोस्टली बच्चों की जॉब्स लग चुकी हैं,
मोस्टली बच्चों की कहूंगा मैं जॉब लग चुकी हैं और उसके बाद एकदम से इसमें बूम आया है। अब हर बच्चा राजस्थान का स्पेशल बीएसटीसी को मांग रहा है, आप भी इस कोर्स को करके रख सकते हैं। साथियों फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी, भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।